चौधरी साहब के बदमाश सुबह से असेंबलियों में मौजूद थे। मेरा बाजू तोड़ दिया इन्होंने मार मार के। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मोना सलाही साहब को अगर धमकी देने का जरा ज्यादा शौक है तो मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, वो आए मैं देख लूंगा उनको। अल्लाह ताला से मैं अपील करता हूँ कि या अल्लाह क़यामत तक मैं इनको बख्शने के लिए तैयार रहूँ। हमारी ऐसी तरबियत नहीं है कि हम अपना बुजुर्गों पे हाथ उठाए, हमारी ऐसी तरबियत नहीं है। क्या करना है? अच्छा, जितने गुलू बांटे हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से। आप सब लड़ने जा रहे हैं, आप सब लड़ने जा रहे हैं। लड़ने नहीं जा रहा, मैं पूछने जा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग पे हमला करने की क्या जरूरत है। पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जो परवेज लाई पे जो मामला हुआ, आपने हाथ उनपे हाथ बढ़ाया, क्या क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी ऐसी तरबियत नहीं है कि हम अपना बुजुर्गों पे हाथ उठाए, हमारी ऐसी तरबियत नहीं है। और जो सुबह से जो परवेज भाई साहब बाबर उसको बार बन के बैठे हुए थे असेंबली में, अपने गुंडे और बदमाश बुला रहे थे, तो तब उनको ख्याल नहीं आया कि गैर आइनी काम कर रहे थे, गुंडे बदमाश बुला के मेंबर्स पे हमलावर हो रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसी असेंबलियों में ऐसी रवायत नहीं कभी पाई गई जो परवेज भाई साहब ने सुबह से जो हंगामा बर्पा किया हुआ था। तो क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आपने उन पे हाथ उठाया? ये सारा प्रोपेगेंडा है। दूसरा ये बताएं कि वो उन्होंने चोरी से हाथों पट्टियां की हुई है, मेरे हाथ खड़ी टूट गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने पहले भी बता दिया है कि चौधरी साहब के बदमाश सुबह से असेंबलियों में मौजूद थे और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं नजर आया कि प्राइवेट लोग गुंडे बदमाश असेंबलियों में कभी अंदर दाखिल हुए। वो अंदर दाखिल होकर उन्होंने मेंबर्स पे हमला किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शिकस्त उनसे बर्दाश्त हो नहीं रही। अल्लाह के फजलो करम से आज भारी अक्सरियत से हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं और ये उनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा सर, सुरक्षा के साथ व्हाट्सएप ये कह रहे हैं कि आज आपने उनको हाथ उठाया, ये सारा माहौल खराब हुआ, ऐसा है? देखिए, हमारी खानदानी ना ऐसी रवायात है ना ऐसी तरबियत है और कि हम बुजुर्गों पे हाथ रखें। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी साहब से अपनी हार बर्दाश्त हो नहीं रही थी और जो आज सुबह से उन्होंने हंगामा बर्पा किया हुआ था असेंबली में, अपने प्राइवेट गार्ड्स बदमाश गुजरात से लेके आए हुए थे असेंबली में, मेंबर्स के अलावा कभी कोई दाखिल नहीं हो सकता। उन्होंने आज असेंबली की तमाम रवायात कवायद जवाबत और हाई कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स को अपने पाँव नीचे रौंद दिया है और उन्होंने अपने बदमाशों के हमरा वो असम्बली में आके मेंबर्स के ऊपर हमलावर हुए, ना कि हम लोगों ने उनके ऊपर हाथ उठाया। तो आज इस मौके पे आप क्या कहेंगे? पुलिस अंदर दाखिल हुई, पहले डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे गए, इस एनवायरनमेंट को आप कैसे देखें? जी देखिए, ये बहुत बुरी रवायात है, ये बहुत गलत कदम है पीटीआई का और खान साहब की हुकूमत जो दफन हो चुकी है और उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह के फजलो करम से एक भारी अक्सरियत से हमजा शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला पंजाब दोबारा से पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में दोबारा से इंशाअल्लाह हम गरीब आवाम के लिए अहम कदम उठाएंगे। जी देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम धमकियों से काम नहीं लेते, ना हमारी रवायात है कि हम धमकियाँ दें। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मोना सलाही साहब को अगर धमकी देने का ज़रा ज़्यादा शौक़ है तो मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, वो आए मैं देख लूँगा उनको। ओके।